हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो गाइज, आज है 16 जुलाई, दिन शनिवार, तारीख बता तो दी, 16 जुलाई। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास दिन है दगड़ियों, क्योंकि आज हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला पूरे पहाड़ में, पूरे उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा है दगड़ियों। तो सबसे पहले तो आप सभी को, मेरे यूट्यूब परिवार को, उत्तराखंड वासियों को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, ठीक ठाक? ठीक ठाक। हरियाणा बहुत बहुत बधाई छो। तुम सर परिवार हरियाणा बधाई, भगवान से यह प्रार्थना करूँ यो दिन यो माह भेटने रहे, तस्वीर का सुपरविजन करने रहे। पीठा लगा, पीठा लगू, तू लगा लिया आप पीठा? सबन का हरियाणा बधाई छ, मैं नाती यूट्यूब वालन का सबन का मैं हरियाणा बधाई छ। आज संक्रांति बधाई छ, रामदसवार। तो दोस्तों अम्मा मेरे को पिट्ठा लगा रही है, और आप ये इमेजिन कर लो कि मेरे माध्यम से आप सभी को ये पिट्ठा लग रहा है, हरेला लग रहा है, क्योंकि आप लोगों से भी उतना ही प्रेम है जितना मुझसे है। ठीक है, तो अम्मा सबको लगा रही है। जय हो। जी रे जागरे दी नमा भेटन दया पाटी जय पहलो दुबे जय जड़ जो लाग दसे लाग रही लाग सिरपन जमी। ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है दगड़ियों, लाग बिरूपन जमी। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं, आसमान बरोबर उठ हजया, धरती बरोबर चाको हजया, सिर्फ बे भात खया, जाके बे हगो जया, यो दिन नमा भेटन रहा, फूल जैसा खिल रहा, भेटने रहा। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, मिला लगा दी तो धर। दोस्तों, हमारा हरेला बहुत अच्छा जमा था, लेकिन क्या करा हुआ कि ये जो हमारा बिराव है ना, ये अपने बच्चों के साथ ही लगे रहा, इसने मुसू की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो मुसू ने हमारा हरेला चढ़ दिया दगड़ियों। हरेला से पहली मुसू ने हरेला बना दिया अपना। तो थोड़ा बहुत शॉर्टेज है, थोड़ा थोड़ा रखना पड़ रहा है। अरे बहुत है यार, है बहुत है। जी रे जाग रे ये दिन यो माँ बैठन रे, पाती जा पो है जो दुबे जे जड़ है जो, क्या नाती जल्दी से ब्याह है जो, धरती बराबर चको है जाए, आसमान बराबर उच्च है जाए, सिंगक जा त्राण है जो, श्यावे जे बुद्धि है जो, तशी का सुपरविजन करण रह जाए, लाल बगवाई लाल धन्यवाद नाकी धन्यवाद, विरुण पंचमी श्री पंची फल जाए फूल जाए, लट्ठी टेकवेर लाइटिंग में डॉग खा कराने की जाए। बहुत आप सभी को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, और आमा भी मेरी परिवार में हुई, आमा की तरफ से भी। ले मैं तरफ में स्वीट डिश चाट ले था, ले ले अम्मा को हम स्वीट डिश खिलाएंगे। हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई। यो अम्मा का ही है ना, ले ले खवैया था बेबुड़ी, ले धन्यवाद। दोस्तों, जड़जा इतने स्वादिष्ट पकवान बनाती है ना, उनके पकवान खाने के लिए, उनके हाथ का बना खाने के लिए देवता भी तरसते हैं दगड़ियों, इंसान तो बहुत छोटी चीज है। नमस्कार, हरेले की बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, सारी शुभकामनाएं। हाँ, और जो भी हमारी YouTube फैमिली है जो आपको इतना अच्छा मानती है, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे, उनको बधाई देना? हरियाले बधाई है, उनका सब परिवार, उनका नाम तीन का सब का, लाख वर्ष उम्र जो ने, हरियाले बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो तुम्हारा खाने के आ रही हूँ, आप खा। हरियाला बार में की बना रखो आज? हरियाला बार में पूरी, बाड़े, खीर, साग, साग क्या थी, बैंगना शिमला मिर्च आलू सब मिक्स कर दे, अलग अलग मिक्स है, मिक्स बना। तो एक बार मन का यो बता दो कि बड़ कसी बनाई जाओ, वीक विधि बता दियो हमारे। बड़ मांस हाल भिजो, हां फिर धोयो साफ कपे, मांस पहले हाल भिजो फिर धोई, धोई हां भिज के आ जब रात बटी भिजो दे यो, हां तब तो फिर पिछले सिलपट में या उमे, अच्छा मिक्स में, अच्छा साफ को धोबे 3-4 पानी, ठीक है। फिर माल दे मिर्च मसाल डाल, मसूट में मांस तल दे। अच्छा, तो दोस्तों जड़जा हरेले से संबंधित एक शायरी मार रही है, इरशाद करिएगा। हाँ कहो। खाने में केले का, घूमने में मेले का, घूमने में मेले का, त्योहारों में हरेले का, वाह अपना विशेष महत्व। वाह 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 वाह, क्या बात है, खाने में केले का, घूमने में मेले का, और त्योहार में हरेले का विशेष महत्व है। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बासमती भात का, बुजुर्गों की थात का, अपना विशेष महत्व। क्या काबो सीखते भी इनका बाबुल सिखा है स्कूल में? स्कूल में नमस्कार,
और क्यों हरियाले बधाई है को नाश्ता पानी। अच्छा अच्छा उठ गई छी है गो हो है गो बना नाश्ता है गो पवन लगी हो विलो कसो भाई हो पहिला आरो ए बकम लो मे का हरिया बे बधाई है हो बेटा ने पाती जे बो दो दो बजे जा दो लाग दे सें लाग दे या फिर बन के नहीं लाग दे जो भाग बच रहो दगड़ियो और गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो तू तो बहुत ही प्रोएक्टिव हो रही है यार आजकल करना ही पड़ता है ना फिर बहुत अच्छा गाना सुना था ना पंछी उड़ी जानी एक बार उनको ये रिस्पेक्ट कर देना मेरी तरफ से पूरा गाना भेजे। अच्छा पवन पहाड़ी के ब्लॉग से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी हरेला पर्व की उपलक्ष्य में पकवान बना रही है। तो हमारे पहाड़ों में हमारे पहाड़ में जब भी कोई तीज त्योहार होता है दगड़ियों तो उसमें मांस से बने पकवानों की बहुत प्राथमिकता होती है। मांस के पिसे हुए मांसों से बेड़ू पूरी बनाई जाती है, मांस और बड़ बनाई जाए दगड़ियों है ना, और खीर बनाई जाती है, साया बनाया जाता है। साया तो खैर मुख्यतः फूलदेही के दिन बनाया जाता है, वैसे भी बना सकते हो ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड़ू पूरी बन रही है दगड़ियों। तो गाइस पहाड़ी बाखली की हरेला स्पेशल थाली आपकी खिदमत में हाजिर है। ये आप देखिए दोस्तों हरेला स्पेशल थाली पहाड़ी बाखली की, जिसमें आपको मिलेंगी बेड़ू पूरी और बीच में रखा हुआ है बड़ और दे करेला साग, और साथ में है दगड़ियों लटपट खीर, ऊपर से उसमें घी का तड़का मार रखा है दोस्तों। तो आप सभी के लिए मैं एक्चुअल में खाऊंगा, आप वर्चुअल में खाओ दगड़ियों। अगर आप यहाँ होते तो मैं आपको जरूर खिलाता, तो यहीं से आप आनंद लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हेलो दोस्तों त्यार खा लो। हैप्पी हरेला टिंपू। इलायची और काजू भी डाले ना पा इसमें, इलायची और काजू। आ रहा है फ्लेवर, मजा आ गया, एक नंबर खीर बनी भाई साहब। तो दोस्तों पहाड़ के लोग भी सीधे साधे होते हैं, उनके त्योहार भी बिल्कुल सरल और सच्चे होते हैं ठीक है। ज्यादा कोई ऐसा दिखावा तड़क भड़क सेलिब्रेशन नहीं होता है ठीक है, प्रकृति से जुड़े हुए त्योहार होते हैं। हरेला क्या है? हरियाली, हरियाली से संबंधित त्योहार है, प्रकृति का त्योहार है ठीक है। एक तरह से हम नई ऋतु का, नई फसल का, नए सीजन का स्वागत कर रहे होते हैं। पापा आप भी बोल दो YouTube फैमिली के लिए कुछ। सबको हरेले की बधाई है, पूरी YouTube फैमिली को हमारी तरफ से हरेले की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये जो आप मेरे कनपाटू में हरे तिनके देख रहे हो, ये महज एक तिनके नहीं है, ये प्रतीक है हमारे पहाड़ की हरियाली का, खुशहाली का। जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा मूल है, वो पहाड़ में ही रचा बसा हुआ है दगड़ियों। चाहे हम कहीं भी चले जाएं, है तो हम पहाड़ी ना, हमारे जीन्स में तो पहाड़ी बसा हुआ है। तो हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए दगड़ियों, भले ही हम बाहर जाके जो सर्विस करते हैं या किसी और वजह से बाहर जाते हैं बच्चों के साथ अपुर शैणी दगे, तो उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वहां पर भी अपने जो लोक पर्व है, फोक फेस्टिवल है, उनको मना सकें। अब यार लौंडे मोंडू की तो मजबूरी है, जो सिंगल रहते हैं या रूममेट जिनके साथ रहते हैं ठीक है, उन्हें बाबा घंटे ड्यूट छू, प्राइवेट नौकरी छू, उनका बहुत सा मनून धोए रू हरियाव का भी मना लूं। तो उन सबके लिए मैंने ये ब्लॉग बना दिया है ठीक है। आप ये समझ लेना कि भाई हमारा भी हरेला मन गया। लेकिन जो भाई लोग, जो दादा लोग अपनी फैमिली के साथ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या विदेशों में रहते हैं ठीक है, उनकी अच्छी खासी जॉब है, ऑफिस टाइमिंग है, तो वो लोग तो सेलिब्रेट कर सकते हैं है ना दगड़ियों। हमारे पहाड़ की संस्कृति, हमारे उत्तराखंड का कल्चर कितना समृद्ध है, कितना संपन्न है, इस बात का आइडिया आपको तब लगेगा ना जब आप इसके बारे में सोचेंगे। आप सोचते ही नहीं हो, खाली फॉर्मेलिटी हो रही है। आप कभी सोचना हमारे पहाड़ के जो तीज त्योहार है कितने रिच है। इस हरेले को ही देख लो, जब हरेला लगाया जाता है तो उसमें आपके लंबे जीवन, खुशहाल जीवन की कामना की जाती है। जी रहा जाग रहा यो दिन यो मास भेटने रहा, मतलब जीते रहो जागते रहो, यो दिन इस दिन को और इस महीने को हमेशा बार बार भेटते रहो। तो अगर आप बार बार भेट रहे हो इसका मतलब आप जिंदा हो
है ना, तो ये कामना की जाती है, जी रहा जग रहा यो दिन यो मास भेटना रहा, पाती जा पौ है जो दुबे जा जड़ है जो, मतलब जो ये नई नई बसंत ऋतु में कोपले खिलती हैं इसकी तरह तुम्हारी उन्नति हो, ऐसी तरह तुम ऐसे तुम खिलते रहो। दुबे जा जड़ है जो, दूब की जड़ बहुत मजबूत मानी जाती है, दूब की जड़ कभी नष्ट नहीं होती है दगड़ियों। नंसनान जब आपके दांत टूटते थे कहाँ डालते थे, दूब की जड़ में, तो उसका एक लॉजिक यही होता था कि उससे बोलते थे ले दुबा पुराण दात मका दे नहीं ना, दूब से हम प्रार्थना करते कि जैसी तेरी जड़ होती है मजबूत ठीक है अमर, वैसी हमको दांत दे ताकि हम बुढ़ापा में भी दनादन खा सके, जैसे मेरा आम खाए चाण काजू किशमिश बादाम सब चीज झेल लेती हो, ये चीज होती थी ठीक है। पाती जा पौ है जो दुबे जा जड़ है जो, धरती बराबर चकौ है जाया आसमान बराबर उच्च है जाया, तो धरती बराबर चकौ का मतलब ये नहीं है कि इतना बड़े फैल जाओ फैल के कुप्पे महावीर भोका थैला जैसा बन जाओ, नहीं धरती बराबर चकौ है जाया मतलब आपका जो हृदय है ना वो इतना विशाल हो जाए कि आप किसी को भी आ बैठ खा पी चाह पानी पी जा इस कहने लायक बनो, दानवीर कहलाओ, आपका दिल बहुत बड़ा हो, ये कहने का मतलब था। आसमान बराबर उच्च है जाए, आपकी जो यश है कीर्ति है वो देश दुनिया में फैले, पवन पहाड़ी को देख रहे हो आप। शावक जो बुद्धि है जो, सिंहक जो त्राण है जो, मतलब लोमड़ी के बराबर आपकी जो बुद्धि है वो हो जाए, आपका समूह और निकल जाए। सिंहक जो त्राण है जो, मतलब आपके भीतर जो साहस है बल है वो सिंह शेर के बराबर हो जाए। देखो कितनी बड़ी इंपोर्टेंट बात हमारे पूर्वजों ने जो बनाया होगा ना, इसको बुढ़ापे के लिए क्या कहा जाता है, शिल पिछबेर भात खाए लट्ठी टेकबेर हगण जाए, शिल पिछबेर भात खाए, इसका लॉजिक इसके पीछे क्या अर्थ नहीं है, शिल पिछबेर भात खाए मतलब तेरी आयु इतनी लंबी हो जाए, तू इतना दीर्घायु हो जाए कि तेरे को शिल पिछके भात खाए, जब दांत ही होंगे तो शिल पिछके खाना पड़ेगा है ना, और लट्ठी टेकबेर हगण जाए, तेरे को किसी की जरूरत ना पड़े, लट्ठी टेक के जाए, जैसे कि आम जाना है तो मनी थार सहार करान पड़ू आपके तरह थार हाथ खुट रहेगी, तो ये चीज है। ऐसी आप कोई भी, आप उत्तराखंड का कोई भी फोक फेस्टिवल उठा के देख लो, उसमें प्रकृति से प्रेम आपको दिखेगा, उसमें लोक जीवन रचा बसा मिलेगा, उसमें मानव के कल्याण की भावनाएं छिपी होंगी। फूल देई को देख लो, उसमें क्या बोला जाता है, फूल देई छम्मा देई दीजू देई दैनी द्वार भरी भकार तुमर देई नमस्कार, तुम्हारी देली को मैं नमस्कार करता हूँ है ना, तुम्हारी देली को मैं पूछता हूँ, तुम्हारा दैनी द्वार भरी भकार, तुम्हारा भकार हमेशा धन धान्य से भरा रहे, भरा रहता है भकार, पहले धन धानी से भरा रहता था, आजकल कपड़ों से भरा रहता है, भरा तो रहता है। डिंपू दीदी हैप्पी अरेला हैप्पी अरेला। दोस्तों आज का आसमान देखिए आप कितना क्रिस्टल क्लियर है, बादल का एक भी टुकड़ा आपको नहीं दिखेगा, ऐसा लग रहा है जैसे समंदर ऊपर उठ के आ गया हो। दिल्ली वालों आपको ऐसे आसमान के दर्शन होते हैं कभी? आपने इंसान की खूबसूरती के बारे में तो बहुत अच्छी बातें कही, लोगों ने समझा उसको, बहुत अप्रिशिएट भी किया, पहाड़ की खूबसूरती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहाड़ तो स्वर्ग है। अब स्वर्ग ही है तो अब लगा दो स्वर्ग में क्या कमी है ये, लेकिन सब चीज के लिए पैसा ही जरूरी है ना, कहीं भी रहो हाँ तो पैसा ही तो भगा देता है, आनंद तभी आता है जब पैसा हो हाँ, अपनी जरूरत की पूरी, जरूरत तभी पूरी जा, भले ही ज्यादा ना हो लेकिन इतना होगी जरूरत, जरूरत पूरी तभी होगी ना, रोजगार नहीं है बस और तो सब कुछ बढ़िया है, है? रोजगार नहीं है और सब बढ़िया है हाँ, स्वास्थ्य के लिए भी चलो साधन हो गए, गाड़ियां हो गई, कहीं भी ले जा सकता है आदमी हाँ, ना हाँ, स्कूल भी चलो यहाँ नहीं है तो भाई कहीं 10 किलोमीटर दूरी पर है, गाड़ियां है जा हाँ, सकता है हाँ, लेकिन रोजगार बहुत जरूरी है, रोजगार मेन मुद्दा है, बिल्कुल सही बात, रोजगार की वजह से तो पलायन हो रहा है ज्यादा, ज्यादा पलायन है रोजगार की वजह से, अब क्या करेगा आदमी यार, आजकल के बच्चे जो है जैसे पहले लोग कर लेते थे ना, कई होगी अपने घर बैठे काम से पत्थर फोड़ता था ना, कोई खेती बाड़ी करता था, आजकल के बच्चे तो अब ऐसा कोई नहीं कर रहा, और पहले जो बाहर जाते थे प्लान करते थे वो सरकारी नौकरी वाले होते थे, मतलब हाँ, बस वो ज्यादा आर्मी वाले, आर्मी वाले बाहर से तो ज्यादा आर्मी वाले ही होते थे हाँ, हाँ। अधिकांश हर घर से आर्मी, एक एक दो दो आदमी हाँ। अब आर्मी का भी यही हाल है, ओ माँ न पसला त्यार